नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंस इन्फिनिटी की इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो कि काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट की इलेक्ट्रिक स्कूटर मानी जाती है। डिज़ाइन आप एक बार देखिए और इसका जो चेसिस है और बॉडी है वो काफ़ी अच्छा, और जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो प्लास्टिक यूज की गई है वो भी काफ़ी, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर है उससे काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसकी रेंज कैसी है और क्या टॉप स्पीड जाती है, इसकी बैटरी कैसी है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आपको डिजाइन में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम फ्रंट से ही बात करते हैं। तो कुछ हेडलाइट्स जो है वो इस डिजाइन में रखा गया है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं। तो इसकी जो लाइट्स है वो कैसे आपको देखने को मिलती है, तो जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो आपको इस तरह का लाइट्स आपको एलईडी में मिलते हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को लगते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह के लाइट यहाँ भी दिए गए हैं और दो लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जो लाइट है वो हैंडल में ही फिटेड है, तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि जब भी आप इसको मूव करते हैं जिस दिशा में, वो उसी तरह से ये लाइट आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएं और नीचे देख ले तो यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। डिज़ाइन कुछ इस तरह का रखा गया है और यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जिसकी जो रोशनी है मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह की लाइट्स आपको यहाँ पे देखने की मिलती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको एसेसरीज लगा के दिखाया गया है कि यह एसेसरीज के साथ कैसी लगती है। तो ब्लैक कलर के डिज़ाइन में ये एसेसरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ पे मोटर गार्ड पे लगा हुआ है। साथ ही साथ साइड में भी उस तरह के डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और पीछे साइड भी देख लीजिए कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है। चारों तरफ से आप एक बार इसको देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि आपको और इसमें क्या क्या मिलती है। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं फ्रंट साइड से। तो फ्रंट में आपको जो चक्के मिलते हैं वो कैसे हैं, तो यहाँ पे आप पहले दिखा देते हैं कि आपको सॉकर्स कुछ इस तरह के मिलते हैं। तो इसमें जो टायर मिलता है आपको 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ मिलता है। जो डिज़ाइन रखा गया है कुछ इस तरह का रखा गया है, और टायर की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। काफ़ी अच्छे टायर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है वो आपको डिस्क ब्रेक के साथ मिलता है, जिससे जो आपको ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी मिल पाती है। और जो डिस्क है उसके भी आपको यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलते हैं, और जो है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको इसमें लगा हुआ है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्पेस देखते हैं कि इसमें स्पेस आपको देखने को कैसा मिलता है। तो स्पेस की बात करें तो इसमें स्पेस आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास हो, 6 फीट के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन 5.5 के अगर आसपास आपकी हाइट है तो उसके हिसाब से इसमें आपको स्पेस अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो नॉर्मल रखा गया है, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट डिज़ाइन रखा गया है, कोई बॉक्स नहीं बनाया गया है। लेकिन एक हुक जरूर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें आप आसानी से 5-6 kg तक के सामान को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे की भी आपको इसमें नॉर्मल मिलता है, जिससे आप सिर्फ ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो चाबी है वो काफ़ी नॉर्मल देखने को मिलती है, कोई स्मार्ट की आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। हैंडल में अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, पहले मैं ऑन करके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि इसकी स्पीडोमीटर हो गई, बैटरी परसेंटेज हो गई, और ये कितने किलोमीटर चली है वो पता बता देता है। साथ ही साथ ये आने वाले समय में कितने किलोमीटर चलेगी उसका भी सारा डिटेल्स इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ड्रैग और रिवर्स के स्विच मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हाई बीम लो बीम के स्विच यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर्स के स्विच यहाँ मिल जाते हैं, और हॉर्न आपको यहाँ मिलता है। हॉर्न का मैं साउंड एक बार सुना के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह के हॉर्न के साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक रिवर्स का बटन मिल जाता है, जिसको आप प्रेस करके आप गाड़ी को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो फीचर्स इसमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं सीट पोजीशन की बात करें तो इसमें सीट काफ़ी लंबी चौड़ी दी गई है, और इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा रखी गई है और लंबाई भी ज़्यादा रखी गई है, यानी कि दो लोग इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कहीं से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम ग्रैब रेल की बात करें तो वो भी एक अच्छा डिज़ाइन में रखा गया है। सिंपल डिज़ाइन है लेकिन प्रीमियम लगता है, और पकड़ने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। अब हम पीछे देख ले तो पीछे कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी एसोसरीज लगा हुआ है। लाइट्स आपके बैक लाइट में भी आपको कुछ इस तरह के मिलते हैं। इंडिकेटर्स जो है वो हज़र लाइट में आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं, आप हज़र का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नीचे में नंबर प्लेट का यहाँ जगह मिलता है, क्योंकि ये हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम साइड प्रोफाइल में देख ले तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि लेडीज़ फूड स्पेशली इसमें देखने को मिलती है, जो दो एक तरफ पैर करके बैठते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होता है।
साथ ही साथ अगर हम आ जाएं तो एक सिंगल आदमी जब बैठता है तो उसके लिए यहाँ पे एक फुटरेस्ट मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन में रखा गया है। सिंगल स्टैंड में एक चीज़ मिसिंग जरूर है कि आजकल जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें एक सेंसर लगा होता है कि अगर आपका सिंगल स्टैंड लगा हुआ है तो कम से कम वो गाड़ी आपको आगे नहीं बढ़ती, तो एक अच्छी चीज़ मिलती है। अब हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और इसकी मोटर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें पीछे वाले टायर की प्रोफाइल की बात करें तो टायर जो है इसमें 12 इंच के दिए गए हैं और जो इसकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। तो इसमें 120 सेक्शन के टायर मिलते हैं जो कि अपाची के टॉप मॉडल टायर में मिलते हैं। तो सोचिए कि कितना अच्छा टायर इसमें यूज किया गया है। ट्यूबलेस टायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। और अगर हम मोटर की बात करें तो इसमें आपको अच्छी खासी पावर की यानी कि 1500 वाट की आपको इसमें मोटर मिल जाती है, जिससे जो आपकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल पाती है। अब हम आ जाते हैं इसमें बैटरी आपको देखने को कैसी मिलती है। तो बैटरी को खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ओपन करने के बाद मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इसमें आपको बैटरी यहाँ पे लगा मिलता है, इसमें आपको चार्जर मिल जाते हैं। मैं एक बार चार्जर भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो कुछ इस डिज़ाइन के आपको छोटे कॉम्पैक्ट साइज में चार्जर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। छोटा साइज होना अच्छा रहता है, रखने में काफ़ी आसानी होती है। इसके प्लग वगैरह भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, कुछ इस डिज़ाइन के इसमें प्लग दिए गए हैं जो कि लगाना काफ़ी आसान है। ऐसे करके आप मूव करके लगा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बैटरी की बात करते हैं। तो अगर इसमें बैटरी की बात करें तो इसमें 48 वोल्ट की बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम बैटरी आप इसमें बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है और बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव लग रही है। और आप इस बैटरी को निकाल भी सकते हैं, उसके लिए आपको बस यहाँ से क्लिक करना है और ऐसे करने के बाद इसको ओपन करना है और ऐसे करके आप इस बैटरी को आप निकाल सकते हैं। बैटरी काफ़ी भारी है, एक बार मैं इसको यहाँ पर रख के दिखाता हूँ आपको। तो बैटरी जो है इसमें आपको 38 एच की मिलती है, जिससे परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। लगभग 70 से 80 के बीच में आपको इससे बैटरी रेंज, आपको ड्राइविंग रेंज जो है आपको इससे इस बैटरी से आपको आसानी से मिल पाती है। इस बैटरी में आपको जियो फेंसिंग की भी सुविधा मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस बैटरी को आप बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं, वो उस डिज़ाइन का आपको ये बैटरी बनाया गया है। इस बैटरी को लगाना भी काफ़ी आसान है, आप जैसे ही इस पर ऐसे क्लिक करते हैं और इसको पुश करते हैं तो बैटरी ऑटोमेटिक लग जाती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आ रही है, चाहे वो फाइबर हो, चाहे बैटरी का डिज़ाइन हो, या फिर वायरिंग का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी फिट एंड फिनिशिंग रखा गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ ये जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी कैसी है। सीट जो है काफ़ी स्टैंडर्ड है और इसमें जो स्पंज भी है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो कुछ इतना स्पेस आपको मिलता है इसमें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा आप सामान फिर भी रख सकते हैं। अगर इस बैटरी की चार्जिंग समय की बात करें तो इसमें जो चार्जिंग टाइमिंग है वो आपको 4 से 5 घंटे का आसानी से समय लग जाता है। अब हम आपको इसमें स्पीड दिखाते हैं कि इसकी टॉप स्पीड कहाँ तक जाती है। तो एक बार हम इसको ऑन करते हैं, ये थोड़ा डिले ऑन होता है, 2-3 सेकंड का डिले है। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ, एक बार स्पीड टेस्ट कराता हूँ। अब इसको स्टार्ट करने के लिए एक फीचर्स दिया गया है, जैसे आप डायरेक्ट स्टार्टर लेते हैं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। सबसे पहले आपको ब्रेक दबाना है, उसके बाद यहाँ पे एक स्टार्ट बटन है, उसको एक बार क्लिक करना है। जैसे एक बार क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाती है, उसके बाद इस गाड़ी को आप आसानी से चला सकते हैं। और इसकी स्पीड कितनी अच्छी है आप देख सकते हैं। तो इसकी स्पीड जो है लगभग टॉप स्पीड जो है 65 के आसपास जा रही है, यानी दो लोग के साथ आप 60 के स्पीड में आपको इसको आसानी से चला सकते हैं। मैंने काफ़ी इसको चलाया भी है और ये दो लोगों के साथ लगभग 60 के आसपास मैंने इसकी टॉप स्पीड चलाई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और पिकअप मुझे इसकी काफ़ी पसंद आई है। अब इसमें आपको एक और फीचर मिलते हैं रिवर्स का। तो रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इस बटन को आपको प्रेस करना है और उसके बाद इसको क्लिक करना है। तो ये आपको रिवर्स में गाड़ी जाएगी और इसकी जो स्पीड होगी वो 2 के स्पीड में ही रिवर्स हो पाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक बेहतरीन फीचर्स आती है, अगर आपकी गाड़ी चलाते वक्त पंचर हो जाती है और आप उसको धक्के मार के लेके जाते हैं तो उसमें एक ड्रैग ऑप्शन दिया गया है। कैसे यूज होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। इसको एक बार आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक ड्रैग बटन है उसको क्लिक करना है और एक बार इसको ब्रेक को दबाना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि गाड़ी जो है वो आपको 2 से 3 के स्पीड में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लगती है। तो ये फीचर भी मुझे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफ़ी पसंद आता है, जो कि काफ़ी यूनिक और नया है। अगर हम प्राइस की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइस है वो 90,000 है, जो कि आप कहीं भी शोरूम में पता कर सकते हैं। ऑन रोड प्राइस इसकी बदल जाएगी, वो आप एक बार चेक कर लेंगे। अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की आप टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या फिर परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यही था हमारा वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।